जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में बच्चों हम सॉल्व करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास सेवेंथ जनरल इंग्लिश इंग्लिश रीडर का लेशन नंबर 4, जिसका नाम है अनीता फिट्स अप्पू। ये आपका क्लास सेवेंथ जनरल इंग्लिश का लेशन नंबर 4 है। इस वीडियो में हम इस लेशन के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताने वाले हैं बच्चों। ये पार्ट आपको, ये लेशन आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। आप इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना चाहते हो सभी, तो इस वीडियो से आपको फुल हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से क्लास सेवेंथ के सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जिनको देखकर आप आसानी से सभी चैप्टर के सभी विषय के सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में प्लेलिस्ट बनी हुई आप जाकर देख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारी प्लेलिस्ट का, जहां से आप सभी विषयों के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं लेशन नंबर 4, अनीता फिट्स अप्पू। ये क्लास सेवेंथ का आपका फोर्थ लेशन है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। कुछ इस तरीके से आपको ये दिया हुआ है, और ये आपने स्कूलों में जरूर पढ़ा होगा, और इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप करना चाहते होंगे सॉल्व। तो चलिए हम कर लेते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। यहां से आपके बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, रीड एंड लर्न, आपको पढ़ो और जानो यहां पर दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए आपके सामने है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। वर्ड्स आपको दिए गए हैं, तो देखिए बैलेंस बिलीव कार्टून क्या है, कोर्टयार्ड एक्साइटेड ग्लोबल सरप्राइजेस, इस तरीके से फ्रेजेस आपको दिए गए। एट वन गो राइट देयर टू फॉल ऑफ टू फिड टू हेल्प टू राइड टू वॉच, इस प्रकार से शब्द दिए गए बच्चों। आपको इसको पढ़ना है और इसको आपको जानना है। तो इस तरीके से आपको मेरे साथ इसका उच्चारण आप दोबारा कीजिए। देखिए बैलेंस बिलीव कार्टून कोर्टयार्ड एक्साइटेड गोबल सरप्राइज्ड, पेरिस में आपको दिया गया है। एट वन गो राइट देयर टू फॉल ऑफ टू फीड टू हेल्प टू राइड टू वॉच, इस तरीके से आपको उसका दो से तीन बार जैसे हमने उच्चारण किया वैसे करना है, और आपको अच्छी तरीके से इसको उच्चारण करते आना चाहिए। चलिए इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने है कि कंप्रहेंशन आपको दिया गया है। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कैसे लिखने हैं, सभी के एक एक करके मैं उत्तर बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। पहला प्रश्न है कि वॉइस अनीता वेरी एक्साइटेड टूडे, अनीता आज बहुत एक्साइटेड क्यों थी या फिर क्यों है। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका, नोट आपको आंसर करना है, आपकी स्क्रीन पर आंसर देखिए। अनीता इज वेरी एक्साइटेड टूडे टू सी अप्पू एट हर डोर, अनीता जो क्या है बहुत एक्साइटेड थी अपने घर के दरवाजे पर अप्पू को देखकर। इस तरीके से आपको आपको ये पूरा पहले क्वेश्चन का आंसर नोट कर लेना है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि वेयर इज सी सीन द एलिफेंट बिफोर, इस तरीके से आपको दूसरा प्रश्न दिया गया है कि उसने हाथियों को पहले कहां देखा, उसने हाथियों को पहले कहां देखा। तो आंसर हो जाएगा सी है सीन द एलिफेंट्स इन द मूवीज एंड कार्टून शोज, उसने हाथी को चलचित्रों और कार्टून शो में देखा है, इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लीजिएगा। थर्ड है कि हाउ डिड अप्पू ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर, अप्पू ने एक बाल्टी पानी किस तरह पिया। आंसर हो जाएगा अप्पू ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो, अप्पू ने एक फ्रूट में ही एक बाल्टी भर पानी पी लिया। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, नोट कर लीजिएगा। वीडियो यदि स्पीड में लग रही तो वीडियो रोक रोक कर आपको लिखना है। इसके बाद बच्चों देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट डिड अप्पू डू विथ हिज ट्रंक, अप्पू ने अपने शूंड से क्या किया। आंसर हो जाएगा अप्पू टुक द बनानास इन हिज ट्रंक एंड पुट देम इनटू हिज माउथ विद इट, अप्पू ने अपने शूंड से केले को उठाया और उन्हें इसके द्वारा अपने मुंह में रख लिया। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ की हाउ डिड द मेहट हेल्प द चिल्ड्रन राइड अप्पू,
महावत ने अप्पू पर सवारी करने में बच्चों की किस तरह सहायता की? आंसर हो जाएगा महावत हेल्पेड द चिल्ड्रन क्लाइंब ऑन टू द एलिफेंट्स बेग बाय मेकिंग देम सीटेड इन द हौदा। इस तरीके से तो महावत ने हौदा में बच्चों को हाथ बैठाकर हाथी की पीठ पर चढ़ने में उनकी सहायता की। इस प्रकार से फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ये है, नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि हैव यू एवर हेड एन एलिफेंट राइड, डिड यू लाइक इट? क्या तुमने कभी हाथी पर सवारी की, क्या तुमने इसे पसंद किया, क्यों? तो आंसर आपको लिखना है, यस आई हैड एन एलिफेंट राइड व्हेन आई वाज इन क्लास 6। आई वेंट टू विजिट द नेशनल पार्क विद माय पेरेंट्स, यस आई लाइक्ड इट वेरी मच। हाँ, मैंने हाथी पर सवारी की है। जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था, मैं अपने माता पिता के साथ नेशनल पार्क देखने के लिए गया था। हाँ, मैंने इसे बहुत पसंद किया। इस प्रकार से इसका मीनिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका वर्ड पावर है यहां पर, मेज द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। आपको मेज द जो है शब्दों को उनके मीनिंग्स के साथ जो है मैच करना है। तो वर्ड्स आर इस साइड मीनिंग है आपकी। चलिए आंसर हम देख लेते हैं। बैलेंस का आपको मिलाना है कीप स्टडी, बिलीव को आपको मिलाना है फील सर्टन। इसके बाद देखिए बच्चों, आपको कार्टून को आपको मिलाना है एन अमेजिंग ड्राइंग इन अ न्यूज़पेपर और मेजेजाइन। कर्टियार्ड को आपको मिलाना है एन ओपन स्पेस दैट इज पार्टली और कंप्लीटली सराउंडेड बाय बिल्डिंग्स। फिफ्थ आपका एक्साइटेड, इसको मिलाना है आपको फीलिंग्स और शोविंग हैप्पीनेस एंड एंथुसियम्स। इसके बाद गोबल है आपका, तो गोबल को आपको मिलाना है टू इट समथिंग वेरी फास्ट। सरप्राइज्ड को आपको मिलाना है फीलिंग और शोविंग सरप्राइज। इस तरीके से आपको यहां पर वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को मिला लेना है। पूरा आंसर है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ही कुछ इस तरीके से बी आपका यहां पर आपके सामने है कि फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसेस विद प्रॉपर वर्ड्स एंड देम कंप्लीट द पजल। आपको सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स करना है और उसकी सहायता से आपको प्रॉपर वर्ड्स एंड कंप्लीट द पजल, पजल को कंप्लीट करना है। पजल कहां दी गई है, नीचे आपको यहां पर पजल दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ब्लैंक्स को प्रॉपर तरीके से फिल करना है। चलिए द बनाना ट्री वॉस एंड अनिता, तो कर्ट यार्ड इस तरीके से दिया हुआ है। तो एलिफेंट्स कैन गोबल अप अ वोल्ट ट्री, यहां ब्लैंक्स में गोबल आ जाएगा। थर्ड हो जाएगा द मोहत टुक द चिल्ड्रन फॉर अ राइड आ जाएगा यहां पर। फोर्थ में अनिता वॉज वेरी ब्लैंक्स दैट डे, एक्साइटेड आ जाएगा यहां पर। फिफ्थ का अनिता थॉट सी कैन नेवर ब्लैंक्स ऑन द बेक ऑफ एन एलिफेंट, तो यहां बैलेंस आ जाएगा। सिक्स्थ का अनिताज मदर वॉन्टेड टू ब्लैंक्स द एलिफेंट ईटिंग, तो वॉच आ जाएगा यहां पर। सेवंथ है अनिता एंड हर फ्रेंड्स वर अ लिटिल ब्लैंक्स वाइल सिटिंग ऑन द हौदा, तो यहां अफ्रेड हो जाएगा। इस तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इसको आपको नोट कर लेना है। चलिए अब पजल को हम पूरा करते हैं। तो पजल में फर्स्ट में आपको देखिए कोर्टयार्ड यहां पर दिया गया है बच्चों फर्स्ट में। सेकेंड में क्या आ जाएगा, सेकेंड में आपको देखिए गोबल आ जाएगा इस तरीके से जैसे हमने ब्लैंक्स में भरा था। थर्ड में आपका यहां पर आ जाएगा बच्चों राइड। फोर्थ में आपका आ जाएगा यहां पर एक्साइटेड। फिफ्थ में आपको यहां पर बैलेंस कर देना है जैसे हमने ऊपर फिफ्थ वाले ब्लैंक्स में बैलेंस भरा था, इसी तरीके से फिफ्थ में आपको यहां बैलेंस कर देना है। और सिक्स्थ में आपको यहां पर देखिए वॉच कर देना है, वॉच। और सेवेंथ में आपको यहां पर अफ्रेड कर देना है। इस प्रकार से ये पजल आपकी पूरी हो जाएगी बच्चों। पूरा इसको नोट कर लीजिएगा, पूरा पूरा ये सही है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए बच्चों कुछ इस तरीके से आपको यहां पर दिया गया है ग्रामर इन यूज। द फॉलोइंग वर्ड्स आर जनरली यूज इन देयर सिंगुलर फॉर्म, आपको कुछ यहां पर वर्ड्स दिए गए हैं, तो चलिए इनको भी हम देख लेते हैं। निम्नलिखित आपको क्या दिए गए हैं यहां पर, वर्ड्स मतलब शब्द दिए गए हैं। जैसे कि आपको क्या दिया गया है, ब्रेड, चौक, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लगेज, पेपर, शो। एग्जाम्पल प्लीज गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड से देखिए हमने उनके जो शब्द बनाए हैं। वॉश योर हैंड्स वेल बिफोर एंड आफ्टर मील्स विथ अ केक ऑफ शॉप, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल दिया गया है।
तो नीचे आपको यहां पर क्या बोला गया है कि मेक सेंटेंस ऑफ योर अर्न यूजिंग द फॉलोइंग पैरेसेस, मतलब आपको क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यांशों का प्रयोग करते हुए अपने वाक्य आपको बनाना है शब्दों की सहायता से। पांच शब्द आपको दिए गए हैं, जैसे ब्रेड, अ लॉफ ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ किलो ऑफ ब्रेड। तो आपको यहां पर तीन दिए गए हैं बच्चों इस तरह के सेंटेंस, इससे तीन आपको बनाना है। इसमें सूप में आपको अ केक ऑफ सॉप, अ बार ऑफ सॉप, यहाँ पर दो दिए गए हैं, तो आपको दो इनसे सोप के आपको यहाँ पर वाक्य बनाना है। इस तरीके से आपको पांच दिए गए हैं, तो पांचों के हम देख लेते हैं उत्तर एक एक करके। तो देखिए सर, पहले ब्रेड का, तो ब्रेड का देखिए आपको पहले का आंसर हो जाएगा आपका ब्रेड, टेंथ का फर्स्ट का हो जाएगा पहला, ही वॉज एटिंग अ लॉट लॉफ ऑफ ब्रेड। बी में आपको लिख देना है प्लीज गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। सी में आपको लिख देना है राज मदर आस्क्ड हिम टू ब्रिंग अ किलो ऑफ ब्रेड फ्रॉम द मार्केट। इस तरीके से पहले पॉइंट का आंसर हो जाएगा तीनों का। इसके बाद दूसरा देखिए सोप, अ केक ऑफ सोप, अ बार ऑफ सोप, दोनों से आपको यहां पर क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। आंसर हो जाएगा ए में लिख देना आपको रीता ऑलवेज केप्ट अ केक ऑफ सोप इन हर पर्स। बी हो जाएगा मीना वॉज वॉशिंग हर क्लोथ्स विथ अ बार ऑफ सोप। इस तरीके से बी का आपको लिख देना है, दूसरे का ये हो जाएगा। तीसरा देखिए पेपर, अ रीम ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर, अ सीट ऑफ पेपर। तो बच्चों तीसरे का जो आंसर हो जाएगा ए में आपको लिखना ही बॉट अ रीम ऑफ पेपर फॉर मेकिंग हिस्ट्री नोट्स। बी में आपको लिख देना है प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ पेपर टू नोट डाउन हर एड्रेस। सी में आपको लिखना है द टीचर टुक द स्टूडेंट अटेंडेंस ऑन अ शीट ऑफ पेपर दैट डे। इस तरीके से तीसरे का आपको पेपर का ये तीनों सेंटेंस बना लेना है। इसके बाद फोर्थ आपका यहां पर फर्नीचर, अ पीस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर इन अ रूम। तो इसमें आपको दो सेंटेंस बनेंगे आपके। तो पहला हो जाएगा ए द सोफा सेट इन द इन दैट सोप इन अ मार्वेलस पीस ऑफ फर्नीचर आई हैड एवर सीन। बी हो जाएगा देयर वाज नो फर्नीचर इन द रूम। इस प्रकार से दो लिख देना है। फिफ्थ है चौक, अ पीस ऑफ चौक, अ किलो ऑफ चौक, अ बॉक्स ऑफ चौक। इसके तीन आपके सेंटेंस बनेंगे। तो पहला हो जाएगा नॉटी स्टूडेंट थ्रो अ पीस ऑफ चौक ऑन द टीचर। बी हो जाएगा प्लीज ब्रिंग अ किलो ऑफ चौक फ्रॉम दैट शॉप। सी हो जाएगा आई हैव ब्रॉट अ बॉक्स ऑफ चौक फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। इस तरीके से पांचवे पॉइंट का हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों आपका फिफ्थ है की लेट्स टॉक, आओ बात करें। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर क्लास एंड कंप्लीट द टेबल। आपको टेबल को कंप्लीट करना है, कैसे करना है, निम्न प्रश्नों को अपनी कक्षा में पूछ के तालिका को पूरा करना है। पहला है कि वुड यू लाइक टू शेयर यूर रूम विथ यूर पेट एनिमल्स। दूसरा क्वेश्चन है विल यू पेरेंट्स एग्री टू इट। थर्ड है डज इट पेट टेक अ लॉट ऑफ स्पेस। तो चलिए इनके आंसर हम तालिका में देख लेते हैं कैसे लिखना है। नेम आई लाइक माई पेरेंट्स स्पेस टेकर। अंजू है बर्ड्स यस अ स्मॉल केज, इनने बताया ऐसा। चलिए दो हम लिखेंगे। रीता नेम में लिखना है रैबिट, खरगोश को पसंद करते हैं, तो माई पेरेंट्स इन यश एग्री और स्पेस टेकन अ स्मॉल केज। देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर सपना लिख देना है नाम में। आई लाइक में वो क्या हो जाएगा डॉग, सपना डॉग पसंद करती है। इसके बाद माई पेरेंट्स तो ये यस हो जाएगा और स्पेस टेकन अ कैंडल। इस तरीके से आपको ये टेबल को पूरा कर देना है। इस तरीके से आपको नोट कर लीजिएगा इसका आंसर। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए लेट्स राइट डिस्कस इन द ग्रुप्स एंड अबाउट द एनिमल यू नो एंड हाउ दे आर यूजफुल टू अस। कंप्लीट यूर डिस्क्रिप्शन यूजिंग सम ऑफ दिस वर्ड। इसमें क्या बोला गया आपको बच्चों, इसमें बोला गया कि जानवरों के बारे में समूह में चर्चा कीजिए जिन्हें तुम जानते हो, वे किस प्रकार तुम्हारे लिए उपयोगी है। जिन्हें तुम जानते हो उन्हीं के बारे में आपको इसमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो देखिए आपको पांच पॉइंट है आपको यहां पर, आप जिन जानवर को जानते हैं उनके बारे में हमको डिस्कस करना है। जरूरी नहीं हमको पांचों करना है, आप जिनके बारे में जानते हैं उनके बारे में आपको करना है। द एनिमल विच कैरीज लोड एंड यूज बाय वॉशरमैन। सेकेंड द एनिमल विच गिव्स वुल। थर्ड है द एनिमल विच इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डिजर्ट। द एनिमल विच गिव्स मिल्क एंड इज
वर्शिप्ड इन द सोसाइटी। फिफ्थ है कि द एनिमल विच हैज अ लॉन्ग ट्रंक। पांच वाक्य दिए गए हैं, कौन से आपको यहां पर सेंटेंस से आपको डिस्कस करना है ग्रुप। तो बच्चों इसका आंसर देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ग्रुप ए में लिख दे रहा है कैमल इज कॉल्ड द सीप ऑफ डेजर्ट। इट कैरीज हैवी लोड ऑन इट्स बैक। इट इज यूज्ड बाय कैवन ऑफ ट्रेवल्स टू ट्रेवल इन डेजर्ट। इट कैन लाइव विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज। इस तरीके से ग्रुप ए। ग्रुप बी में आपको लिखना है काउ गिव्स अस मिल्क एंड इज वर्शिप्ड इन द सोसाइटी एज गौ माता। काउ डंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल। इस तरीके से ग्रुप सी में हो जाएगा डंकीज कैरी लोड ऑन इट बैग। इट इज यूज्ड बाय वॉशरमैन टू कैरी पाइल ऑफ क्लोथ्स। सिमिलरली दे कैन डिस्कस अबाउट द सीप एंड द एलिफेंट। इस तरीके से ग्रुप सी में हमको करना है। इस तरीके से ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी में हमने डिस्कस कर लिया जिनको हम जानते थे। इसका आंसर है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए बच्चों आपका यहां पर बी है कि रीड द नोट्स एंड राइट अबाउट द मंकी। निम्न संकेतों को पढ़ो और बंदर के बारे में लिखिए, जैसे नेम मटरू मंकी, होम ट्रीज, फैमिली एंड फ्रेंड्स मंकीज एंड चिल्ड्रन, लाइक्स प्लेइंग एंड जंपिंग ऑन द ट्री, फूड फ्रूट्स, फीलिंग हैप्पी, कलर ग्रे ब्राउन, साइज मीडियम साइज, फेस ब्लैक रेड। तो आपको यहां पर बंदर के बारे में पूरी जानकारी दी गई। इसमें आपको सेंटेंस बनाकर यहां पर वाक्य लिखने। तो आंसर इसका हो जाएगा बच्चों आपको इस तरीके से लिखना है, मटरू मंकी लिव्स ऑन ट्री, इट्स फैमिली कंसिस्ट ऑफ अदर मंकीज, चिल्ड्रन एंड सम मंकीज आर इट्स फ्रेंड्स, इट लाइक टू प्ले एंड जंप ऑन द ट्री, इट इट्स फ्रूट्स एंड ऑलवेज रिमेन हैप्पी, इट्स फर इज ग्रे ब्राउन इस कलर बट फेस इज रेड एंड आई आर ब्लैक, इट इज अ मीडियम साइज। इस तरीके से आपको बी वाले क्वेश्चन का आंसर है पूरा नोट कर लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों कुछ इस तरीके से आपका लेट्स डू इट, आओ इसे करें। चलिए हम देख लेते हैं। आपको यह है कि रीड द नेम्स ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो एंड क्लासिफाई देम इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे दिए गए जानवरों के नाम पढ़िए और उनका निम्नलिखित तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए आपको इस तरीके से यहां पर वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें आपको बर्ड एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स पेट एनिमल्स सभी के नाम दिए गए हैं इस बॉक्स में। तो इसमें छाट कर आपको बर्ड्स को अलग करना है, एनिमल को अलग करना है, वाइल्ड एनिमल को अलग करना है, पेट एनिमल को अलग करना है। चलिए बर्ड्स में आपको लिख लेना बच्चों पिकॉक पेंगुइन स्पैरो। एनिमल में लिखना है इन लिव इन वाटर जो पानी में रहते हैं, तो फिश फ्रॉग क्रोकोडाइल। वाइल्ड एनिमल में आपको लिख देना है वोल्फ बियर और टाइगर। पेट एनिमल में आपको लिख देना है बच्चों काऊ डॉग और कैट। इस तरीके से आपको ये टेबल को पूरा भरने लें, ये आपका सही सही आंसर इसका हो जाएगा। इस तरीके से आपको भर लेना है इसको पूरा, इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा इसका पूरा ये आंसर होगा। इसके बाद देखिए बच्चों आगे हम देख पढ़ेंगे। तो आगे देखिए आपका यहां पर गिवन बिलो इज अ टेबल विथ द नेम्स ऑफ सम एनिमल। कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग इन द कलर फूड साइज एंड द प्लेस दे लिव इन। नीचे दी गई तालिका में कुछ जानवरों के नाम है, तालिका को इनके रंग भोजन आकार और इनके रहन सहन के स्थान भरकर पूर्ण कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर कैसे हमको लिखना है। तो देखिए कलर फूड साइज और द प्लेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आपको लायन दिया गया है, तो लायन का कलर येलो ब्राउन लिख लेना है। फूड में आ जाएगा फ्लेश ऑफ एनिमल। साइज हो जाएगा बच्चों लार्ज और द प्लेस हो जाएगा यहां पर डे। इसके बाद एलिफेंट है तो ग्रे ब्लैक हो जाएगा और फूड में हो जाएगा सुगर केन मिल्क फ्लेश माउस एक्सेट्रा। साइज में आपको लिखना है हग और यहां पर द प्लेस में लिखना है फॉरेस्ट। डॉग में आपको लिख देना है कलर में ब्लैक व्हाइट ब्राउन और फूड में आपको लिखना है मिल्क ब्रेड मील एक्सेट्रा और साइज इसका हो जाएगा स्मॉल और यहां पर द प्लेस बैकयार्ड हो जाएगा। इसके बाद केट है तो केट में आपको लिख देना है ब्लैक व्हाइट ब्राउन कलर में माउस मिल्क एक्सेट्रा एक जो उसका खाना है और साइज स्मॉल हो जाएगा और द प्लेस क्या हो जाएगा बैकयार्ड हो जाएगा। इस तरीके से उसको आपको टेबल को फिल कर देना है। पूरा पूरा आंसर आपके स्क्रीन पर बच्चों नोट कर लीजिएगा, ये आपका पूरा आंसर है, नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोककर। इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में हमने आपके जितने भी आपके क्वेश्चन के आंसर थे, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे, सभी को सॉल्व कर लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरीके से क्लास सेवेंथ के सभी
विषयों के इसी तरीके से चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जहां जो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बताए गए हैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आई होप आपको ये सीरीज जरूर पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अन्य विषय के सॉल्यूशन के लिए चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, जब तक टेक केयर, जय हिंद बाय।